समाजवादी पार्टी का महाभारत रोज नए मोड़ ले रहा है। शुक्रवार को जब अखिलेश और शिवपाल मिले तो सुलह की अटकलें जोर पकड़ने लगी, लेकिन मुलायम ने एन मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस डाल दी। सवाल यहां पर यही कि क्या कहानी में कोई नया ट्विस्ट आने वाला है, क्या मुलायम कोई आखिरी दांव चलने वाले हैं? अब धोबी पछाड़ लगाएंगे नेताजी, एक ही पैंतरे में खत्म होगा कुनबे का दंगल। क्या आखिरी दांव चलने वाले हैं मुलायम? समाजवादी कुनबे के महाभारत का दी एंड कब होगा और क्या होगा कोई नहीं जानता। अब ये जंग केवल हक की नहीं हैसियत की भी हो गई है। लड़ाई खुल्लम खुल्ला और आमने सामने हो रही है, लेकिन इस जंग के बीच सीज फायर की कोशिशें भी जारी है। लिहाजा जब पार्टी में टूट फूट के बाद पहली बार शुक्रवार को चाचा शिवपाल से भतीजे अखिलेश की मुलाकात हुई तो लगा कि शायद समझौते की जमीन तैयार हो रही है। कयासों को तब और हवा मिली जब चंद मिनटों की इस मुलाकात के बाद मुलायम सिंह यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन अचानक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस टाल दी गई। सवाल ये है कि मुलायम के दिमाग में क्या चल रहा है, क्यों मुलायम ने ऐन वक्त पर प्रेस कॉन्फ्रेंस टाल दी? क्या समाजवादी कुनबे की महाभारत में फिर कोई नया मोड़ आने वाला है? क्या मुलायम कोई ऐसा पत्ता चलने वाले हैं जिसकी काट किसी के पास ना हो? इन सवालों को तब और हवा मिली जब तमाम अटकलों और कयासों के बीच अमर सिंह ने मोर्चा संभाल लिया। रण में अंकल अमर उतरे तो इशारों में अखिलेश और उनका खेमा अमर सिंह पर शोले बरसाता रहा है, उन्हें बाहरी का तमगा देता रहा है, जबकि शिवपाल की तरह ही मुलायम भी अमर के साथ मजबूती से खड़े रहे हैं। ऐसे में अमर सिंह के तेवर और मुलायम का ऐन मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस टालना केवल इत्तेफाक है या फिर किसी नई रणनीति का इशारा, ये एक बड़ा सवाल है। आज तक ब्यूरो।